प्रेज द लॉर्ड गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार धन्यवाद स्तुति प्रभु की, हालेलुया। रोज बरोज जब हम संगति करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उद्देश्य याद रखिए कि परमेश्वर की मर्जी को जाने और उसके लिए एक अच्छा बेटा अच्छी बेटी बने। यदि हमारे पास उद्देश्य है तो हम उस उद्देश्य के लिए काम करेंगे, अगर उद्देश्य नहीं है तो फिर बात कुछ और। मैंने रिसेंटली एक बात सीखी, पहले ये निर्णय करो कि आप क्या विजन क्या है, मतलब आपको जाना कहाँ है। दूसरा कि अब आपको वहां पहुंचने के लिए क्या करना है, किस किस चीज की आवश्यकता है। तीसरा, अपने आप को उसके लिए तैयार करो जो कमी है उसमें। चौथा, जब आप उसके पास पहुंच जाओ तब दुगनी मेहनत करो ताकि वो अचीव कर लो। हम जब परमेश्वर के सामने हैं, इस समय जिस परिस्थितियों में, जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण हम जो है सेपरेट हो जाते हैं और परमेश्वर को छोड़कर हम दुनिया में चले जाते हैं। वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर हमें बल दे, कुछ चीज़ें ना होती तो अच्छा होता, और कुछ चीज़ें हैं तो जद्दोजहद तो है, पर मजबूत बने रहिए। मैं ये बात स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, आप बताइए क्या कह रहा हूँ मैं। इतना तो आप मुझे जानते हैं, रोज सुनते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। चैप्टर 39 पढ़ेंगे आज हम, बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता उसका 39 चैप्टर, पीड़ित मनुष्य का पश्चाताप। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से मैं भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बलिशत भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य जैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। ये पश्चाताप की प्रार्थना जो है ना, बहुत मजेदार है। ये मजेदार क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई अगर दुख में है तो क्या मजा थोड़ी आएगा, लेकिन ये मजेदार इसलिए है कि ये आईना दिखाता है आपको मुझे कि हम अपने जीवन में कैसे जी रहे हैं। ये पश्चाताप का जो भजन है, पश्चाताप का जो समय है, ऐसा स्वभाव अगर हम में है तो वो उसका एक अलग ही आनंद है। मुझे आज भी याद है कि जो पश्चाताप के मेरे दिन थे, उन दिनों में जो मेरा संगति जो परमेश्वर की थी, आज से काफ़ी अच्छी बेहतर थी और मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं होता ना, समय परिस्थितियाँ बदल जाती है। एंड वी सी दिस, हाउ अबाउट इफ वी हैव दैट रिलेशनशिप एवरी टाइम फ्रॉम द लॉर्ड और विद द लॉर्ड, देन मजेदार। वर्स 7, अब 7 पद से पढ़ूंगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूड मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुँह न खोला क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, हे मेरी दुहाई पर कान लगा और मेरा रोना सुनकर शांत रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। आह, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और न रह पाऊँ, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त कर सकूँ। कितने दिन हो गए, कितने दिन और कितना समय बीत गया, आपने वो एहसास किया हो कि टूटा हुआ दिल लेकर परमेश्वर के सामने बैठे हो, उसे पुकार रहे हो,
आंसू तो बह रहे हो लेकिन शब्द ना हो। दिल टूटा हुआ है, माफी तो मांग रहे हो लेकिन मुंह से माफी मांगने की हिम्मत ना हो। हे प्रभु, गुनहगार तो हूं मैं, जानता हूं तू माफ तो करेगा, लेकिन क्या मैं तेरे पास, तेरे सामने आने के लायक भी हूं? क्या तेरा नाम लेने के लायक भी हूं? यू शुड हैव दैट हार्ट। मे द लॉर्ड ब्लेस यू अबंडेंटली। लेट्स प्रे टुगेदर। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। ओ लॉर्ड, क्षमा करने के लिए तेरा धन्यवाद। पाप भर भर कर किए हैं, जीवन के भाग में परमेश्वर तुझे छोड़कर न जाने क्या क्या, जब तक हम जानते भी नहीं थे कैसे जीवन को जीते थे, लेकिन आज हम धन्यवादित हैं, आनंदित हैं। अगर आंसू हमारे आंखों में हैं तो सिर्फ धन्यवाद के, क्योंकि तूने हमें माफ कर दिया है। अभी बहुत से लोग जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, अपने आप और अपने लिए तुझे स्वीकार नहीं किया। हमें इस्तेमाल कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमें मार्ग दे, प्रेरणा दे, ताकि हम शुभ समाचार की सेवा करने वाले। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, उसकी भलाई आपके जीवन में हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।